केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में इस कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर निर्माण पर आए निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार बताया है और पीएम द्वारा निर्णय से 20 दिन पहले भाईचारे का संदेश दिए जाने का भी दावा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में प्रदेश का पहला आधुनिक बस स्टैंड जनता को समर्पित किया। उन्होंने इसके बाद पूरे प्रदेश में ऐसे बस स्टैंड की मांग उठाने का दावा किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बस स्टैंड आधुनिक सुविधा से लैस है और सरकार प्रदेश भर में ऐसे बस स्टैंड का निर्माण करने पर भी विचार करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर बेवजह आरोप लगाए जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से कहीं कम कर्ज लेने का दावा किया और कांग्रेस को अपने गिरिवान में झांकने की भी नसीहत दी। वहीं इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में इस कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर निर्माण पर आए निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है और पीएम द्वारा निर्णय से 20 दिन पहले भाईचारे का संदेश दिए जाने का दावा किया। अनुराग ठाकुर ने पुरातत्व विभाग की खुदाई में सबूत मिलने की भी बात कही। वित्त राज्य मंत्री ने देश की आजादी के बाद राम मंदिर विवादित स्थल पर मूर्ति पूजा किए जाने के कारण ही देश में पहला मुकदमा सिख निहंगों पर होने का भी दावा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं है। हमारी पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के मुद्दों को नहीं लेती, वो देश हित में मुद्दा था। उसके बाद 1991 में जब नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सब बड़े नेता लाल चौक पर तिरंगा फहराने वहां पर गए, वो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मेरी, जब हमने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की और मेरी वो यात्रा जब यहां पर आई थी तो मुझे आज भी याद है 2011 में भाई सतपाल सत्ती जी हमारे यहाँ के विधायक थे, पूरी पार्टी ने जोरदार स्वागत किया। हम जब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचे तो हमें गिरफ्तार किया गया। मैं भी सड़क पर सबसे आगे खड़ा होकर तिरंगा झंडा पकड़कर खड़ा था। सुषमा जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी पीछे खड़ा होकर हौसला अफजाई कर रहे। आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर की लगातार चलती गई। जब आपने मुझे फिर सांसद बनाया, मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो अमित भाई शाह ने गृह मंत्री होते हुए 370 और 35 से निजात दिलाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये हमारे विचार से देश के हित में, ये वोट बैंक की राजनीति होती तो सारी मेरे मुकदमे और ये मुद्दे जीवित रहते। 370-35 सदा के लिए खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा सदा के लिए खत्म हो गया और ट्रिपल तलाक जिससे हमारे मुस्लिम बहनों को मुश्किल आती थी, हमने उससे निजात भी मुस्लिम बहनों को दिलाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर पहले 4 महीनों में सब करके दे दिया मेरे भाइयों।